आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कल 2 नवंबर का दिन सबसे बड़ा खतरा लेकर आ रहा है। कल 2 नवंबर को आम आदमी पार्टी का खात्मा हो सकता है और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना है, 2 नवंबर का दिन आर पार का दिन साबित हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। दिल्ली शराब घोटाले में कल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है और ये पूछताछ की तारीख अरविंद केजरीवाल के दिल में खौफ पैदा कर गई है। इसकी वजह साफ है, जब भी ईडी किसी को इस तरह के मामलों में पूछताछ के लिए बुलाती है, जांच के लिए बुलाती है, तो पूछताछ के बाद, पड़ताल के बाद उस नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल के दिल में भय है, खौफ है और गिरफ्तारी का डर भी है। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल के शिकंजों के पीछे हैं और अब बारी अरविंद केजरीवाल की नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो गिरफ्तारी के भंवर में फंस सकते हैं, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में कल ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और ये पूछताछ का संबंध ही अरविंद केजरीवाल के लिए जी का जंजाल बन गया है। शराब घोटाला कहीं ना कहीं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए खतरे का सबब बन गया है, उसकी बर्बादी का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले में जब सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के सबूत हैं, आरोप हैं, तो क्यों न कार्रवाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी की जानी चाहिए। और उसी लकीर पर आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं अब ईडी की कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के गले तक जा पहुंची है। अरविंद केजरीवाल को कल शराब घोटाले में बुलाया जाएगा, उनसे बड़े बड़े सवाल पूछे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लगभग 2 दर्जन सवालों के जवाब भी देने होंगे और अगर वो सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरफ जहां कुआ है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर वो ईडी के सामने सच सच बोलते हैं तो भी उनकी गिरफ्तारी होती है और वो अगर ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो भी उनकी गिरफ्तारी संभव है। ऐसे में दिक्कत इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल करें तो क्या करें और क्या न करें। अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली में पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस में पहुंच सकते हैं और ये पूछताछ की तारीख ही अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई है। दिल्ली शराब घोटाला एक एक करके आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को निगलने का काम कर रहा है। सबसे पहले बारी आई मनीष सिसोदिया की, जो आबकारी मंत्री भी थे। उसके बाद लंबे चौड़े दावे करने वाले और संसद के अंदर बेवकूफ बोलने वाले और मोदी सरकार पर जोरदार अटैक करने वाले संजय सिंह की आई। संजय सिंह को ये लगता था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और वो बड़बोलेपन के कारण ही लगातार इस मामले में मोदी सरकार को चैलेंज भी कर रहे थे। लेकिन संजय सिंह को यह एहसास नहीं था कि ईडी के पास उनकी मिलीभगत के काफ़ी सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और ऐसे में एक बार वो शिकंजे में आ गए तो उनकी गर्दन नहीं छूटेगी। संजय सिंह के साथ वही हुआ। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जमानत लेने की भरपूर कोशिश की लेकिन कोर्ट में उनकी दलीलें नहीं टिकी और ईडी के सबूत और ईडी की कार्यप्रणाली के ऊपर कोर्ट ने मोहर लगा दी, जिसके चलते वो भी लंबे समय के लिए जेल के पीछे नजर आ रहे हैं। अब बारी है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ईडी ने उनके खिलाफ, उनके सामने क्या क्या प्रश्न रखने के लिए लिस्ट तैयार की है, उनके खिलाफ क्या क्या सबूत जुटाए हैं और दिल्ली शराब घोटाले में उनसे किन किन मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। अरविंद केजरीवाल पिछले 3 दिन से बेहद बेचैन है, बेहद ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि उनके लिए आर पार का माहौल बन गया है, उनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। कहाँ तो अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे और कहाँ अब उनके लिए तिहाड़ जेल के दरवाजे खुले हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर सता रहा है कि कल ईडी पूछताछ के बाद उनको उसी तरह से गिरफ्तार कर सकती है जिस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के 4 ही सबसे बड़े पिलर थे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। 3 नेता पहले ही जेल के अंदर पड़े हैं। सत्येंद्र जैन तो पिछले 1.5 साल से जेल के अंदर हैं, हवाला के मामलों के अंदर उनको जमानत नहीं मिली है, उनकी सेहत भी बिल्कुल खराब हो चुकी है और वो जेल में एक तरह से एडिया रगड़ने को मजबूर हैं। मनीष सिसोदिया भी लगभग 6 महीने से जेल के अंदर हैं, उनके भी जमानत हासिल करने के सारे प्रयास नाकाम हो गए हैं और उनके खिलाफ ईडी की तगड़ी मोर्चाबंदी ने उनको जमानत से बाहर निकलने का दरवाजा बंद कर दिया है।
संजय सिंह भी बड़ी उछल कूद करते थे, वो बड़े बड़े दावे करते थे कि ईडी इनकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो ईडी के खिलाफ कोर्ट में गए थे, उन्होंने दावा किया था कि ईडी इस मामले में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और वो ईडी के खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह को इस बात का एहसास नहीं था कि ईडी बड़े सबूतों के साथ उनको घेरने का काम करेगी और कोर्ट के सामने ऐसे ऐसे सबूत पेश करेगी जिसके चलते न वो सिर्फ गिरफ्तार होंगे बल्कि उनको जमानत भी हासिल नहीं हो पाएगी। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद उनके हालात को देखते हुए ही अरविंद केजरीवाल को कपकपी चढ़ी हुई है और उन्हें इस बात का भय सता रहा है कि उन तीनों नेताओं की तरह अब उनकी बारी आ गई है और कल पूछताछ के बाद ईडी उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने बेशक इस मामले में किसी फाइल पर साइन नहीं किए हैं लेकिन वो सरकार के मुखिया हैं और सरकार के मुखिया होने के चलते सरकार के हर ठीक और गलत फैसले का श्रेय या डिस्क्रेडिट सीएम को जाता है। आपको याद होगा कि हरियाणा में जेबीटी भर्ती घोटाले में भी सीएम ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उन्होंने किसी फाइल पर साइन नहीं किए थे लेकिन सरकार के मुखिया होने के चलते जेबीटी भर्ती घोटाले में उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। यही कहानी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी लागू हो सकती है, यानी दिल्ली शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल के अंदर डालने का काम कर सकता है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उन्हें यही नहीं मालूम कि कल ईडी उनके सामने 10 सवाल रखेगी, 20 सवाल रखेगी, 30 सवाल रखेगी या 40 सवाल रखेगी। अरविंद केजरीवाल के सामने एक सवाल को 4 से 5 तरह से पूछा जाएगा और उनको हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब देने में टालमटोल करने का काम करेंगे तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और कोर्ट के अंदर ये दलील देने का काम करेगी कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस मामले की तह में जाने के लिए और सारे सवालों के जवाब हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेना जरूरी है। इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल इस मामले में ईडी के सवालों पर सीधे हामी भरते हैं और वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं तो भी उनके लिए, उनकी सरकार के लिए, संजय सिंह के लिए और मनीष सिसोदिया तीनों के लिए ही बड़े संकट पैदा हो जाएगा। ईडी के आरोप पर मोहर लग जाएगी और चारों ही नेता जेल के अंदर चले जाएंगे और अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से बचने का काम करेंगे, उसके ऊपर खामोशी धारण करने का काम करेंगे और सवालों का जवाब देने से इनकार करेंगे तो भी ईडी उन्हें गिरफ्तार करने का काम करेगी, उन्हें अपनी गिरफ्त लेने का काम करेगी और सारे सवालों का जवाब हासिल करने के लिए फिर लंबी हिरासत की मांग भी करेगी। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए अब इस मामले में पिंड छुड़ाना मुश्किल नजर आ रहा है, वो दिल्ली शराब घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी का शिकंजा उनके खिलाफ मजबूती से लगातार तंग होता हुआ नजर आ रहा है। ईडी की कार्रवाई, ईडी का समन और ईडी का इतिहास तीनों ही दिल्ली शराब घोटाले में इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तार हो सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए भी सबसे बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के सीएम के लिए कोई मजबूत नेता नहीं बचेगा, आम आदमी पार्टी को चलाने के लिए कोई मजबूत नेता नहीं बचेगा और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से संकट के चक्रव्यूह में घिर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो अरविंद केजरीवाल के लिए है। अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं और उन्होंने इसके लिए इंडिया महागठबंधन का पार्ट बनकर अपने आप को लगातार बड़ा नेता बनाने के लिए मेहनत भी की है लेकिन दिल्ली शराब घोटाला उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनता नजर आ रहा है और दिल्ली शराब घोटाला पूरी आम आदमी पार्टी को निगलने के लिए तैयार बैठा है। अब देखने की बात यही है कि दिल्ली शराब घोटाले में कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है या वो गिरफ्तारी से बच जाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में कल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, ईडी की पूछताछ को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा। अरविंद केजरीवाल का कल का क्या अंजाम होगा ये जानने के लिए भी आप कल खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।